तो पहले वो जज करता है ये क्या है, स्ट्रांग है या वीक है, कहीं ये मेरे ईगो को हर्ट तो नहीं करेगा। दोस्तों थोड़ा लेट हो गया ये वीडियो बनाने में, क्योंकि जो वीडियो मैं बनाना चाहता था, काफ़ी बार मेरे व्यूवर्स ने बोला लाइकोपोडियम का वीडियो बनाने के लिए, तो ये पॉलीक्रिस दवा है, ये बहुत डीप एक्टिंग दवाई है और मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। दोस्तों लाइकोपोडियम को आम भाषा में क्लब मॉस बोला जाता है और ये प्लांट किंगडम की एक दवा है। ऐसा कहा जाता है कि लाइकोपोडियम का जो प्लांट है ये पहले उसका साइज़ बड़ा था और बाद में छोटा हुआ है, जैसे जैसे समय बीतता गया उसका आकार छोटा होता चला गया। तो लाइकोपोडियम में ये स्ट्रांग फीलिंग होती है दोस्तों अंदर से कि मैं कमज़ोर हूँ, ये स्ट्रांग फीलिंग होती है, आई एम वीक, और इसलिए इसे पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है दोस्तों, इसे पावर का लव होता है। अगर आप रेपर्टरी में देखोगे केंट की रेपर्टरी में, तो पावर ऑफ लव में सिर्फ एक ही मेडिसिन है लाइकोपोडियम। अब कंप्लीट रेपर्टरी आ गई है तो उसमें कई सारी दवाइयाँ आ गई हैं, लेकिन प्रोमिनेंट आज भी लाइकोपोडियम ही है। इसे वेजिटेबल सल्फर भी कहा जाता है और ये सल्फर कैल्केरिया का लाइकोपोडियम के ट्रायोस में, इस ट्रायोस की एक महत्वपूर्ण दवा है लाइकोपोडियम। कई बार हम आस पड़ोस में सुनते हैं या लोग बातें करते हैं जैसे सारी दुनिया को मुट्ठी में कर लो, स्काई हैज़ नो लिमिट, इस तरह का जो स्टेटमेंट होता है ना, ये लाइकोपोडियम पे बड़ा फिट बैठता है। ऐसा ही एटीट्यूड रहता है लाइकोपोडियम का, सारी दुनिया को जीतने का जज्बा रहता है, महत्वाकांक्षी होता है वो, एम्बिशियस होता है, लेकिन कुछ कमियां भी तो है साथ में। आदमी जब भी जमीन पे आता है, जन्म लेता है, तो उसमें कोई कमी नहीं होगी, ये तो हो ही नहीं सकता। ये अंदर से कमज़ोर होता है, प्लस साथ में मैं दो तीन चीज़ें बताता हूँ सुनिए। एक तो इसका ये जो मैंने कहा अंदर से कमज़ोर होता है, दूसरा है ईगो, तीसरा फियर, चौथा एंग्जाइटी, पांचवा एम्बिशियस। इन्हीं चार पांच चीज़ों पे लाइकोपोडियम घूमता है, ठीक है। अब जैसे लाइकोपोडियम का ईगो बहुत होता है, तो अगर कहीं ऐसा सिचुएशन हुआ जहां पे उसको दबना पड़ा, तो उसके ईगो को चोट पहुंचती है, वो फिजिकली बहुत कमजोर होता है दोस्तों, लेकिन मेंटली बहुत शार्प होता है। उसका जज करने का जो पावर है ना, बहुत अच्छा है, जजमेंट पावर बहुत अच्छा होता है। थोड़ी सर्दी है मुझे, आप एडजस्ट कर लेना। तो जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे उसके उसका इंसल्ट हो रहा है, तो उसके ईगो को चोट पहुँचता है, इसलिए ये बंदा क्या करता है, ऐसी जगह पे जाना ही अवॉइड करता है। ये क्या करता है, अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखता है जो उससे छोटे हों, दिमाग से, शरीर से, लाइक दैट, ताकि इनके बीच में रह के ये अपनी हुकूमत चला सके। ऐसा होता है लाइकोपोडियम, अपने से स्ट्रांग की तरफ ये जल्दी नहीं जाता, और कभी भी कोई भी नया सिचुएशन जब इसके सामने आया, तो पहले वो जज करता है ये क्या है, स्ट्रांग है या वीक है,
कहीं ये मेरे ईगो को हर्ट तो नहीं करेगा। तो नए सिचुएशन में नए या नए लोगों से मिलने में ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, इसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। इसलिए वो जो अपने से सुपीरियर लोग हैं, जो उससे सुपीरियर हैं, उनसे ये बड़ा पोलाइट होता है कि कहीं मेरा इंसल्ट ना कर दें, कहीं मुझे ह्यूमिलिएट ना कर दें, कहीं मुझे कुछ कह ना दें, वहां ये दबके रहता है। बड़ा एग्रीएबल होता है उन लोगों के साथ, एक तरह से आप कह सकते हैं चापलूसी वाला, लेकिन अपनी डिग्निटी मेंटेन करके झुक के रहता है। ये बेसिकली ये ऐसा नहीं होता, लेकिन जब इससे सुपीरियर कोई आता है तब ऐसा होता है, राइट? अब जो इससे छोटे हैं उनको ये डोमिनेट करके रखता है, उनसे हार्ड रहता है, हार्श रहता है, डोमिनेटिंग रहता है, उनको दबा के रखता है ये, और उनको दबाने से इसका ईगो फलता फूलता है। सो जैसा कि मैंने कहा, कोई स्ट्रेंथ सिचुएशन, इसलिए पहले वो जज करता है ये बंदा, ये सिचुएशन कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ईगो को हर्ट पहुंचेगा, मेरे ईगो को चोट पहुंचेगा, इसलिए वहां पे इसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। और जैसे ही कॉन्फिडेंस कम होता है, कंफ्यूजन और एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी बढ़ जाती है। दोस्तों, जब आप रेपर्टरी में देखेंगे रूबरी, तो उसमें लिखा हुआ है कंटेम्प्टस टू सबऑर्डिनेट्स एंड एग्रीएबल टू सुपीरियर्स, यानी जो उससे छोटे हैं उनके प्रति वो कंटेम्प्टस होता है, वो हिचकिचाएगा नहीं आपत्तिजनक बात बोलने में या अपमानजनक बात बोलने में या इंसल्ट करने में, लेकिन अगर उससे सुपीरियर है तो उससे पोलाइट हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है। इस तरह का लाइकोपोडियम पेशेंट होता है। और दूसरा है, कोई भी नया चीज करने जब जाइए तो ये घबरा जाता है। अब जैसे इसको, इस बंदे को अपना पावर बढ़ाना है, राइट? पावर बढ़ाना है तो ऐसे लोगों को इकट्ठा करना है। ये बहुत अच्छा पॉलिटिशियन होता है दोस्तों, बहुत अच्छा पॉलिटिशियन होता है, क्योंकि इंटेलेक्चुअली तो बहुत शार्प होता है। तो ये जब लोगों को चुन चुन के अपने पास लेके आता है, किसको अपने पास रखना है, किससे कितना रिलेशन रखना है और किसको दूर रखना है, ये सब जजमेंट पावर इसमें बहुत अच्छा होता है। सो लाइकोपोडियम अपने घर में, जहां पे इसकी हुकूमत है, यहां पे ये डोमिनेटिंग हो सकता है और होता ही है। घर में उससे छोटा कौन है? उसकी बीवी बच्चे। तो अपने बीवी बच्चों से ये बड़ा डोमिनेटिंग होता है, बड़ा रूड होता है, बड़ा हार्श होता है, बड़ा कंटेम्प्टस होता है। लेकिन वही ऑफिस में बॉस से ये बड़ा पोलाइट होता है, तेज है, इसलिए काम करने में भी वो बहुत अच्छा होता है। तो उसका जो वहां पे रेपो है वो बहुत अच्छा वर्कर, माइल्ड, शांत ऐसे है, लेकिन घर में एग्रेसिव। अगर ऑफिस का कोई बंदा इसके घर पे आ गया और इसके अब्सेंस में अगर इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चलेगा कि ये घर पे बड़ा रूड है, सरप्राइज होता है लोगों को। ये अंदर से डरपोक है, इसीलिए साथ जाता है, इसलिए अकेले इसको डर लगता है, ही डिजायर कंपनी। ये सेंटिमेंटल भी होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा भावुक भी होता है कभी कभी। जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया या कोई मूवीज़ में कोई सीन चल रही हो, उसको देख के इसके आंसू भी निकल आते हैं। बहुत सारे फ्लेवर है इसकी लाइफ में, बहुत सारे फ्लेवर।
छोटेपन में जब ये छोटा होता है, तो जैसा कि मैंने बताया कि यह शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है, इसका जो अपर पोर्शन है वह इमेसिएटेड होता है, यानी पतला होता है, और नीचे का पोर्शन स्ट्रांग होता है। तो छोटेपन में ये बच्चा एक तो कमज़ोर होता है, और दूसरा स्ट्रेंजर से ये मिलना पसंद नहीं करता, इसलिए इसके बहुत कम दोस्त होते हैं बचपन में। बच्चों के बीच में खेलना कूदना पसंद नहीं करता। लेकिन यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब उसको दिमाग आता है, तब ये इस अपनी इस कमी को छुपाने में माहिर हो जाता है। तब वो ऐसे लोग ढूंढता है जो उसके पास रहें, उसकी बड़ाई करें। बहुत डींगे हाँकता है उनके बीच में बैठ के, लेकिन कोई हायर अथॉरिटी का पर्सन आ गया तो शांत हो जाता है। ऐसे लोगों को अगर कहीं आपने स्टेज पे भेज दिया कुछ बोलने के लिए, तो इनकी हालत ख़राब हो जाती है। या किसी से इंटरव्यू है, कुछ है, तो उसके पहले लाइकोपोडियम डिस्टर्ब हो जाता है, इसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि जिसको फेस करना है वो पता नहीं कैसा है, आई डोंट नो हाउ ही इज। गॉट इट? दिस इज पावर ऑफ लव। ये इसी के इर्द गिर्द घूमते रहता है, इसी के इर्द गिर्द। इसके लिए ये सारी खिचड़ी पकाता है ये। गॉट इट? जो भी इसके आसपास हैं दोस्तों, जो इससे छोटे हैं, उनको जो बस ऐसे क्रिटिसाइज कर देता है ये। क्रिटिसाइज करने का मतलब यू आर स्मॉल, उसकी कमियां निकाल रहा है। यू आर इन फॉल्ट, आई एम सुपीरियर टू यू। उनको डोमिनेट करके रखता है, दबा के रखता है, और दूसरा इसका सबसे बड़ा फैक्टर है एवर्शन टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइकोपोडियम का पेशेंट कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं करता। अगर उसको कोई जिम्मेदारी दिया आपने, तो वो पसंद नहीं करता। अब समझिए, कोई लाइकोपोडियम का बंदा है, ये अपनी लाइफ जी रहा है, इसने अपना एक सर्कल बनाया है, अपने से दिमाग में कम, शरीर में कम लोगों का एक सर्कल बनाया है, उसके बीच में ये रहता है, और उन सबको वो डोमिनेट कर रहा है। फ्री है ये, जैसे चाहे वैसे जिए, इसको बंधन या बोझ पसंद नहीं होता। लेकिन जब इस बंदे की शादी हो जाती है, जब इसके सर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो इसको प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि जिम्मेदारियों में बंधना इसे पसंद नहीं है। ये नहीं चाहता कि कोई उसको एक्स्ट्रा काम दे, किसी के बोझ अपने सर पे लेके चले, ये इंडिविजुअल रहना चाहता है। ऐसा नहीं कि वो शादी नहीं करना चाहता, शादी करना चाहता है, लेकिन बोझ जैसा नहीं, कोई बोझ ना हो। सो लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है ना, वो एकदम गांव वाली लड़की को नहीं ला सकता। वो नहीं चाहेगा कि कोई विलेज की कोई अनपढ़ लड़की के साथ उसकी शादी हो जाए, वो चाहेगा पढ़ी लिखी लड़कियों से शादी करना जो खुद कमाती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी चाहेगा कि वो माइल्ड हो, एग्रेसिव ना हो। अगर वो एग्रेसिव हुई तो इससे नहीं पटेगा। ये चाहेगा कि मेरी बीवी ऐसी हो, जैसा मैं बोलूँ वैसे वो करे, जैसा मैं कहूँ वही वो करे। वो अपने ईगो को जस्टिफाई करना चाहता है, सेटिस्फाई करना चाहता है, अपने बड़प्पन को जस्टिफाई करना चाहता है। वो लाइकोपोडियम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं करता। लेकिन दोस्तों, अगर एक बार लाइकोपोडियम ने किसी की जिम्मेदारी ले ली, तो उसे जीवन भर निभाता है, बीच में छोड़ के नहीं जाता। लाइकोपोडियम यहाँ पे ये बहुत ऑनेस्ट है,
अगर आपने कोई उपकार किया है लाइकोपोडियम पे तो उस उपकार को वो भूलेगा नहीं, वो हमेशा याद रखता है। और जब भी आपका वक्त आया, बुरा वक्त आया, तो आपके लिए वो खड़ा रहेगा। ये बहुत अच्छा नेचर है लाइकोपोडियम का। सो इसमें दोनों है, आप छोटे हो, आपको रुलाएगा, डोमिनेट करेगा, रूड रहेगा, लेकिन आप रोने लगे तो ये अपने गोदी में उठा के चुप भी कराएगा। बहुत अच्छा नेचर है। और दूसरा, ये बड़ा हरीड होता है, इसमें पेशेंस कम होता है। जैसे खाना है, पीना है, काम करना है, ये सारी चीजें बहुत तेजी से करना चाहता है। ऐसे लगता है कि जैसे उसे एक काम दिया गया है, उस काम को उसे खत्म करना है। सो इन दैट सेंस हम कह सकते हैं कि ये अपनी जिम्मेदारी, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी बाउंडेड है। जो उसको काम दिया गया है उसे वो खत्म करता ही है। यहां पर भी ये बहुत स्ट्रांग है। सो कुछ इतने अच्छे स्ट्रांग पॉइंट है लाइकोपोडियम के, जो वास्तव में उसे भीड़ से अलग करते हैं। और आप देखोगे अपनी जिंदगी में कि लाइकोपोडियम के जो बंदे हैं वो आपको कभी भी छोटी जगह पे नहीं मिलेंगे, वो किसी न किसी अच्छे अथॉरिटी पे होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, या कुछ कहीं ऐसा जहां पे वो लोगों को बिठा के डोमिनेट कर सके। लाइकोपोडियम कभी भी कहीं भी नहीं मिल जाएगा आपको। ये ब्यूटी है लाइकोपोडियम की। ओके, फिर आ गया बच्चों पे। समझो उसके बच्चे हैं तो बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं लेना पसंद करता है, वो सारी जिम्मेदारियां अपनी वाइफ पे छोड़ देता है। अगर वाइफ पढ़ी लिखी है तो उसके स्कूल में आप जाओ, उसका रिपोर्ट कार्ड आप देखो, गॉट इट। लेकिन एट द सेम टाइम लाइकोपोडियम का पेशेंट इतना इंटेलेक्चुअली शार्प होता है दोस्तों, कि अपने बच्चों को अगर लाइकोपोडियम ने पढ़ा दिया तो उसके बच्चे जीनियस हो जाएंगे। क्योंकि वो किसी भी चीज का सार या कोर निकालता है, इतना तेज होता है वो। आपको 20 पेज आप उसको पढ़ने के लिए दे दो, वो 20 पेज पढ़ लेगा, तर 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 पढ़ लेगा। पढ़ने के बाद पूछो इसमें है क्या, तो बराबर बता देगा, एकदम बता देगा। सो वो ऐसा नहीं होता कि पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, जैसे आर्सेनिक लिखता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, सब सिस्टमैटिक। इसका सिस्टमैटिक हो ना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसका जो समझ होता है ना, जजमेंट होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। इसलिए लाइकोपोडियम बहुत अच्छा स्पीकर बन सकता है, लाइकोपोडियम बहुत अच्छा टीचर बन सकता है, लाइकोपोडियम बहुत अच्छा लॉयर बन सकता है। क्योंकि जब भी आप स्पीच देने जाओ तो आपको मेन थीम पता होना चाहिए कि थीम क्या है, क्या बोलना है मुझे। अगर आप टीचर हो तो एक पूरा लेसन है, उस लेसन का मोरल क्या है, वो ज्यादा वहां एम्फसाइज करता है। ठीक है, अगर वो लॉयर है तो वो सारी बहुत सारी पॉइंट को हटा देगा, जो मेन पॉइंट है उसको पकड़ के रखेगा वो। और वो इंटेलेक्चुअली इतना तेज होता है कि उसी पॉइंट पे रख के सबको घुमा सकता है वो। पर लाइकोपोडियम जब पहली बार कोर्ट में जाएगा दोस्तों, तो उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो सिचुएशन उसके लिए नया होता है और हर नए सिचुएशन में इसका कॉन्फिडेंट डवाडोल हो जाता है। सो पहला स्पीच हो, या पहली बार कोर्ट में अपियर हो रहा हो, या पहली बार जैसे डेमो लेक्चर होता है टीचर्स का, वहां पे हो, तो ये बेचैन हो जाता है। लेकिन एक बार इस बंदे ने अगर शुरू कर दिया तो ये बोलता ही जाता है, तब इसकी गहराई बहुत डेप्थ रहती है। इसे बस शुरू करने का देर है, बस एक बार इस बंदे ने शुरू कर दिया
तो ये बहुत अच्छा एग्जीक्यूट करता है, चाहे वो लेक्चर हो, चाहे वो स्पीच हो, चाहे वो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हो। लाइकोपोडियम के ऐसे देखने जाएंगे मेंटल सिम्टम, तो बहुत सारे मेंटल सिम्टम हैं दोस्तों, लेकिन मेन यही है कि उसे पावर की इच्छा होती है। मेन यही है कि वो डोमिनेट करता है, वो लोगों को दबाता है, अपने से बड़ों की खुशामत करता है। वो नहीं चाहता कि उसके ईगो को कोई क्रश करे, कोई दबाए, इसका वो बहुत ध्यान रखता है, क्योंकि बहुत जल्दी इंसल्ट फील करता है, तेज भी तो होता है वो। गॉट इट? सो दिस वॉज ऑल अबाउट लाइकोपोडियम। इसमें बहुत सारे और सिम्टम हैं, लेकिन सब न बता के मैंने मेन चीज आपको बताया है। लाइकोपोडियम दवा को एक लाइकोपोडियम के एटीट्यूड में ही मैंने बताया है। अगर सब मैं सिम्टम बताने गया तो इट इज बहुत सारे सिम्टम हैं, हजारों में है मेंटल सिम्टम। सो डोंट गो फॉर दैट, ये चीजें याद रखो। और अपियरेंस में अगर देखने जाओगे लाइकोपोडियम को, तो उसका जो अपर पोर्शन होता है, फेस, नेक, ये पतला होता है, उसके लोअर एक्सट्रीमिटी स्ट्रांग होंगे, क्योंकि इमेशिएशन यानी जब कोई इंसान पतला होने लगता है उसको इमेशिएशन कहते हैं। तो लाइकोपोडियम का पहले ऊपर से शुरू होता है, ऐसे ऐसे त्रिकोण की तरह, नीचे ठीक रहता है, नीचे बाद में आता है। ये अपीरेंस बता रहा हूं कि जब ऐसे बंदे दिखे तो, और भी इगोस्टिक दवाइयां हैं ना, लाइकोपोडियम को कैसे पहचानोगे? उसका जो पेट का निचला हिस्सा है वो बाहर रहता है, जैसे कार्बोवेज का ऐसे रहता है ऊपर, पर लाइकोपोडियम ऐसे जाके फिर आता है। गॉट इट? ये देख के आप पहचान सकते हो। एक बात और, ये बंदा समय से पहले मैच्योर हो जाता है। अब वो कोई भी कंडीशन हो सकती है, हो सकता है उसके माँ बाप बोल रहे हों कि तुम्हें अचीव करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, ये चीज़ इसके दिमाग में भरा जा रहा हो, ये हो सकता है। तो समय से पहले ये बंदा मैच्योर होने लगता है, और ये मैच्योरिटी कभी कभी, जब लाइकोपोडियम पेशेंट बीमारी की तरफ जाता है, तो कभी कभी ये मैच्योरिटी इसके चेहरे पे दिखने लगती है, प्री मैच्योर सेनिलिटी यानी प्री मैच्योर ओल्ड एज। इसके समय से पहले बाल झड़ जाते हैं, समय से पहले बाल पक जाते हैं, इसे इम्पोटेंसी होती है, जो मैं इसके सेकेंड पार्ट में समझाऊंगा आप लोगों को। जैसे ये युवावस्था में ही ओल्ड एज जैसा दिखने लगता है, इसे प्रीमेच्योर ओल्ड एज कहते हैं। तो जब भी लाइकोपोडियम का पेशेंट आपके चैम्बर में आए, तो देखना अगर वो इमेशिएटेड ऊपर से है कि नहीं, उसका पेट का निचला हिस्सा बाहर है कि नहीं, उसके बाल वगैरह कैसे हैं, उसके चेहरे पे रिंकल्स है कि नहीं, ये सारी चीजें देखना। बुढ़ों का रिंकल्स मत देखना, सारे बुढ़ों को रिंकल्स आते हैं, लेकिन अगर वो यंग है और उसको ये सारी चीजें हैं, तो ही ये चीज मायने रखती है। गॉट इट? दोस्तों, लाइकोपोडियम के बारे में शॉर्ट में मैं जितना अच्छे से आप लोगों को बता सकता था बताया। जो भी डिफिकल्टीज हो आपकी, वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, या जो आप लोग राय देना चाहते हैं। सी, आपके जो राय होते हैं, जो मशवरे होते हैं, वो बहुत मायने रखते हैं। मैं चाहता हूं मैं आप लोगों से सीखूं, रियली ये मेरा लर्निंग फेस ही है, और कब तक चलेगा? जब तक मैं जिंदा रहूंगा। नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होता दोस्तों, तो अपना राय जरूर दीजिएगा लाइकोपोडियम को लेके। और कभी भी मुझसे ये मत पूछना, मैं जवाब नहीं दूंगा, आई एम सॉरी, बुरा मत मानिएगा दोस्तों, कि मुझे सर दुख रहा है, कौन सी दवा लूँ, ऐसे कैसे बताऊँ मैं? अब सोचिए, एक लाइकोपोडियम है,
इसके थॉट, इसके इमोशन सब काउंट करते हैं ना, ये देने से पहले आपको ये सब देखना पड़ेगा। अब समझो लाइकोपोडियम का ही हेडेक आया, अगर आप डॉक्टर हो तो ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करोगे कि नहीं करोगे? करना ही पड़ता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसलिए सिर्फ इन चीजों पे ध्यान मत देना। अगर कुछ पूछना ही है तो केस का पूरा डिटेल दीजिए, तब मैं कहीं जाके बता सकता हूं। गॉट इट? थैंक्स अ लॉट माय डियर, टेक केयर, बाय बाय।